हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि जो हमारे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चलती हैं तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क बहुत ही कम यूज़ होता है। बड़े बड़े साइटों पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक वर्क यूज़ करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालना है वो मैं लेके आया हूँ वीडियो। इससे पहले जो वीडियो लेके आया था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वन वे स्लैब लेके आया था। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास वी हैव अ वॉल हैविंग अ लेंथ ऑफ 15 फीट एंड हैविंग अ विड्थ ऑफ 12 फीट। हमारे पास एक 15 बाय 12 की एक दीवार है हमारे पास। द थिकनेस ऑफ द वॉल विल बी 8 इंचीज, उसकी थिकनेस है हमारी 8 इंचीज है। तो हम कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ ब्लॉक, हमें इसमें कितने ब्लॉक्स लगेंगे वो कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड इन द वॉल द थिकनेस ऑफ मोटार, और थिकनेस देखनी है हमें कितना थिकनेस हमारे कितने थिकनेस से हमारे मोटार में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन डाटा हमारे दिया हुआ है, मान लीजिए लेंथ हमारी 15 फीट, हाइट हमारी 12 फीट, थिकनेस 8 इंच है हमारी। जो थिकनेस रहेगी 8 इंच रहेगी, 15 फीट हमारी लेंथ रहेगी, हाइट 12 फीट रहेगी। हमें निकालना है ब्लॉक्स और मोटार। द कैलकुलेशन वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट स्टेप्स। इसके लिए 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटार निकालना होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने होंगे, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉल से, वॉल्यूम ऑफ बॉल लेंथ 15 फीट, हाइट 12 फीट, विड्थ 8 इंच, और 0. जब इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.666 फीट। उसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारा, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। लेंथ हमारी 15 फीट, हाइट हमारी 12 फीट, विड्थ हमारी 0.66 फीट। इसको हम इंचीज में नहीं लिखते हैं, इसको हम पहले फीट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 0.66 फीट आ रहा है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 119.88 क्यूबिक फीट, जो हमारा एरिया है 119.88 क्यूबिक फीट एरिया है। वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक, अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक, एक ब्लॉक का कितना वॉल्यूम है। तो लेंथ है एक ब्लॉक की, एक फीट का ब्लॉक होता है, हाइट है 8 इंच, और इसके भी हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया है 0.66 फीट, विड्थ है हमारी 8 इंच और 0.66 फीट। अब इसे हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ सेम ही रहेगा, लेंथ हमारी 1 फीट, हाइट हमारी 0.066 फीट, विड्थ हमारी 0.066 फीट। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा विदाउट मोटार है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.443 क्यूबिक फीट। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटार, विद मोटार हमारा कितना लगेगा। तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, मोटार थिकनेस हमने रख ली है 1 इंचीज और 25 mm। जब हम इसको कैलकुलेट, जब 1 इंचीज को हम कन्वर्ट करेंगे फीट में तो हमारा निकल के आएगा 0.083। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1.083 इंटू 0. ये हमारा जो 8 इंचीज था, ये हमारा 9 इंचीज हो जाएगा। तो जब कन्वर्ट करेंगे अगर 9 इंचीज को तो 0.75 निकल के आएगा। तो इन दोनों में तो हम मोटर ऐड कर लेते हैं, लेकिन 0.666 इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मोटर जो होता है या तो साइड से ऊपर में लगेगा या फिर साइड से लगेगा, विड्थ पे लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 0.5414 क्यूबिक फीट। एक हमारा विद मोटार में जो वॉल्यूम है एक ब्लॉक का, वो हमारा 0.5414, और विदाउट मोटार है 0.4443 क्यूबिक फीट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटार, वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा निकल के आया था 119.88 क्यूबिक फीट निकल के आया था। जीरो वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक विद मोटार निकल के आया हमारा ये 0.5414। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 221.42, यानी कि 221.42, अप्रॉक्स 222, लगभग 222 ब्लॉक्स हमारे इसमें निकल के आएंगे। अब हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। तो टोटल हमारे जो निकल के आए थे 222 निकल के आए थे, ये हम इससे पहले ब्लॉक्स निकालेंगे इंटू 0.4443। तो टोटल हमारे जो निकल के आ रहे हैं 98.34 क्यूबिक फीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स निकल कर रहे हैं 98.34 क्यूबिक फीट। वॉल्यूम ऑफ मोटार टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालेंगे टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स। टोटल वॉल्यूम हमारा आया था 119.88 माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स हमारा आया था 98.34। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 21.54 क्यूबिक फीट, 21.54 क्यूबिक फीट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 33% वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेते हैं वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कंडीशन के लिए। तो 33% हमने कर लिया, तो उसका आ गया हमारा 33% वॉल्यूम विल बी इंक्रीज व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम वेट टू ड्राई वॉल्यूम कंडीशन। सो वॉल्यूम ऑफ मोटर रिक्वायर्ड
21.54 या 21.54 इंटू 1.33, जब इसे हम करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 28.64 क्यूबिक फीट मोटार हमारा इसमें लगेगा, 28.64 क्यूबिक फीट हमारा मोटार इसमें लगेगा, 222 हमारे इसमें ब्लॉक लगेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।